आ गए हैं CUT PG एग्जाम सेंटर पे जो है गुड़गांव। तो थोड़ी ही देर में बच्चे निकलने वाले हैं, पता करेंगे कि आखिर उनका एग्जाम कैसे गया और कितना टफ था, मॉडरेट था या फिर इजी था। बिल्कुल, हम सभी लोग पहुंच चुके हैं और यहां पर हम वेट कर रहे हैं गेट के बाहर कि जैसे ही बच्चे निकलते हैं उनसे हम एग्जैक्ट रिव्यू क्या हो सकता है वो रिव्यू आप सभी को हम देने वाले हैं। तो सभी लोग इस वीडियो में बने रहिए। तो अभी जैसे कि हम सेंटर के बाहर खड़े हैं और सेंटर के बाहर एक पार्क है जहाँ पर कई सारे पेरेंट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो अभी एग्ज़ाम के बाद तो हम जानेंगे कि विद्यार्थी किस प्रकार से तैयारी किए हैं, उनका क्या एक रिजल्ट रहा है अभी सेंटर के अंदर में, लेकिन उससे पहले एक तैयारी और हो चुकी है जो कि पेरेंट के साथ में हुई है। मतलब पेरेंट भी उस चीज़ को देखे होंगे विद्यार्थी ने किस प्रकार से तैयारी किया होगा। बच्चा तो प्रिपेयर करता है, साथ साथ में पेरेंट्स भी प्रिपेयर करते हैं। तो पेरेंट्स से एक बार पूछ लेते हैं कि उनके अंदर अभी क्या चल रहा है। बच्चे तो डरे होते ही हैं, पेरेंट्स भी थोड़े थोड़े डरे होते हैं सर, तो पूछ लेते हैं उनसे। चलते हैं जी। बिल्कुल हेलो सर। हाँ जी सर। आपके कोई स्टूडेंट आए हैं, बच्चे आए हैं? हाँ, मेरा बच्चा आया है। अच्छा, मतलब LLB के मैं फादर हूँ उनका। अच्छा, ओके। तो मतलब आपने देखा होगा उनको प्रिपेयर करते हुए, किस प्रकार से प्रिपेयर किए हैं, कितने दिनों से वो लगे हुए थे इस एग्जाम के लिए? हाँ, कई दिनों से लगे हुए थे, दिन रात। इसमें तो एक CUT इसका तो क्रेज़ होता है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो दिन रात पढ़ते हैं बच्चे और दिन रात पढ़ेगा वही क्लियर होगा। मतलब अभी आप क्या फील कर रहे हो कि अभी वो बाहर निकलेगा कैसा परफॉर्म किया होगा? फील कर रहे हैं कि अच्छा ही कर आए, कोई नहीं चाहेगा उसका बच्चा गलत exactly. करे, मतलब भगवान करे बिल्कुल अच्छा पेपर अच्छा गया है। क्या भगवान तो अच्छी बात है। आप अकेले आए हो, मतलब ऐसा उनको लेके कहां से? नहीं, मैं दिल्ली से आया हूं, पश्चिम बिहार से आया हूं दिल्ली से। Okay. सेंटर बड़ी दूर पड़ गया, ये थोड़ी समस्याएं हैं कि सेंटर थोड़ा अगर घर के नज़दीक दे दें, दिल्ली वालों को तो कसम दिल्ली में दे दें, हरियाणा वालों को हरियाणा में दे दें। सुन रहे होंगे एनटीए, तो अच्छा है, ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो कितने दिनों से प्रिपेयर कर रहे हैं वो? काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, एक महीना हो गया। ऑनलाइन ऑफलाइन क्या उनका प्रिपरेशन चल रहा था? ऑनलाइन ऑनलाइन कर रहा था। तो मैम कैसा लग रहा है आपको अभी, आपका बच्चा अंदर है, पेपर थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है? ये हमेशा बोला जाता है कि सिर्फ बच्चे का एग्जाम नहीं होता है, पेरेंट का भी एग्जाम होता है। तो कितनी तैयारी और कब से तैयारी चल रही थी? लास्ट 3 मंथ से कर रही है। 3 मंथ से कर रही है। अभी ग्रेजुएशन किस कहाँ से कंप्लीट हुई है? ग्रेजुएशन अभी है उसका लास्ट ईयर है जी। कौन सी डिग्री कर रहे हैं? कॉमर्स। कॉमर्स से? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। हेलो, अभी हम स्कूल पर पहुंच चुके हैं और हमारे साथ कुछ पर्सनालिटी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि सर आप इस स्कूल में अभी किस पोजीशन पे हैं? मेरा नाम मनोज गुप्ता है, मैं कैप्टन धर्मवीर एज एडमिन ऑफिसर इन माड़ूमल एजुकेशन बोर्ड। तो आज जैसे कि CUT PG LLB का भी पेपर अभी बच्चे निकलने वाले हैं, तो मतलब कितने विद्यार्थियों का यहाँ पर सेंटर पड़ा था? यहाँ पर 445 अप्रोक्सीमेट बच्चे हमारे को TCS ने दिए थे, जो कि अप्रोक्सीमेट 320 बच्चे हमारे पर बच्चे आए हैं और जो सेंटर था वो 445 का था। तो मैम इससे कुछ मैसेज विद्यार्थियों को देना चाहेंगे आप? जी सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए बच्चे, अगर 445 बच्चों ने यहाँ पे आना था और पहुँचे हैं 320, मतलब तादाद बहुत कम है। तो कई बार ऐसा होता है बच्चे ट्रैफिक में फंस जाएं या फिर किसी भी रीज़न की वजह से डिले हो जाएं, तो वो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाते। तो बच्चा लोग प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो हर एक चीज़ आपकी प्रिपेयर्ड हो और एग्ज़ाम सेंटर बिल्कुल टाइम पर पहुँचे, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। तो अभी पेपर कैसा हुआ आपका? बढ़िया। बढ़िया। तो कितने क्वेश्चन किए आपने? 60 कर दिए। सही किए आपने? एक्यूरेसी 55 to 56। अच्छा, तो मतलब अभी हार्ड क्या लगा आपको उसमें, कौन सा सेक्शन हार्ड लगा? कोई भी सेक्शन हार्ड नहीं था, बिकॉज आई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर कैट, तो मेरे को बहुत इजी लगा। अच्छा, इसका पेपर। रीजनिंग कैसा आया? बहुत इजी थे, बहुत लेवल मेरे को काफी लो लगा, बिकॉज इफ यू ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर कैट तो बहुत आपके लिए काफी इजी रहा। थैंक यू सो मच। आपका एग्जाम कैसा हुआ? एग्जाम वाज गुड। तो कितने क्वेश्चन किए आपने? आई हैड अटेंड 55। एक्यूरेसी नॉट श्योर राइट नाउ। मतलब फिर भी कुछ टफ लगा आपको, कोई सेक्शन टफ लगा? नो, नॉट टफ, यू कैन से दैट मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच। कैसा रहा पेपर आपका? मेरा मतलब अभी ज़्यादा टाइम प्रिपेयर नहीं किया आपने? नहीं, मैंने टाइम से कर लिया, बट लेकिन थोड़ा पैटर्न थोड़ा जैसा टफ लगा, क्वेश्चन टफ लगा? टफ भी नहीं कह सकते, जिस टाइप का पैटर्न सोचा था उस टाइप से थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न। मतलब कोई सेक्शन ऐसा होगा ना जो आपको थोड़ा सा लगा होगा कि है थोड़ा टफ, नहीं हो रहा है क्वेश्चन? करंट अफेयर्स।
ओके ठीक है, थैंक यू। 67 की है। हाँ जी। तो मतलब पेपर कैसा लगा? मॉडरेट था, मॉडरेट लेवल। मॉडरेट मतलब किस सेक्शन से मॉडरेट हो गया वो? मॉडरेट हो गया इंग्लिश। अच्छा। और LR इतनी डीप में नहीं पूछी, लॉजिकल रीजनिंग पॉइंट भी इतना डीप में नहीं पूछा, बेसिक्स इसके क्लियर थे, वो कर देगा। तो इंग्लिश में क्या मतलब कौन सा क्वेश्चन आपको ऐसा लगा कि थोड़ा टफ साइड चला गया? इंग्लिश में पैसेज टाइम ले रहे थे। पैसेज टाइम ले रहे थे, मतलब ज़्यादा लंबा पैसेज था। ठीक है, तो ओवरऑल कितने की आपने? मैंने 67 अटेम्प्ट करे। एक्यूरेसी? एक्यूरेसी हो जाएगा 50-55 करो। तो किस तरह का पेपर था बच्चे? बढ़िया था। बढ़िया था। सेक्शन का थोड़ा बताएंगे कि किस किस तरह से सेक्शन से इंग्लिश का किस तरह से गया? सेक्शन बहुत इजी लगा मेरे को पर्सनली, क्योंकि इंग्लिश का लेवल भी काफ़ी लो था, रीजनिंग भी काफ़ी, मतलब अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो ऐसे पेपर्स के लिए तो आपको काफ़ी इजी लगेगा, मतलब ऐसा पर्सनली मेरे को लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हमें हमारी अड्डा 24/7 की ही बच्ची मिल गई है, तो बच्चा नाम? श्वेता। श्वेता, तो श्वेता किस तरह का पेपर गया? पेपर तो अच्छा था मैम, बट वही था कि लीगल से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। लीगल से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन से, ना ही IPC से, ना ही कॉन्ट्रैक्ट से, कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, इंग्लिश का किस तरह का पेपर था? मैंने तो मैम हिंदी में दिया था, तो हिंदी से क्वेश्चन थे। ओके, बाकी लॉजिकल रीजनिंग किस तरह का गया? लॉजिकल भी ठीक था, जो कैलेंडर से क्वेश्चन पूछ रखा था काफ़ी इजी था, और बाकी जो वैसा क्वेश्चन पूछ रखा था सीरीज से इन्होंने पूछ रखा था, ये काफ़ी टफ लेवल का था। हाँ जी। नाम क्या है? मेरा फरदीन नाम है। पेपर बहुत अच्छा था, और मैं तो आपकी बैच का स्टूडेंट हूँ, नेट का ऑब्वियसली सी बात है, तो सर ने पढ़ाया, मैम ने पढ़ाया, बहुत कुछ आया, इस बात नहीं है। और एक्चुअली जो मतलब ज़्यादातर रीजनिंग का मैंने क्वेश्चन देखे 2-3 जो अमित सर पढ़ाते थे हमको रीजनिंग, उनके क्वेश्चन आए। एंड किसका बोलूँ मैं, मतलब जो क्वेश्चन इंग्लिश, मैंने हिंदी अटैम्प्ट किया मैंने। हाँ, हिंदी हिंदी के क्वेश्चन आए, हिंदी जो पढ़ के गया था राजेंद्र सर ने अच्छा पढ़ाया था, वैसे क्वेश्चन मिले और अटेम्प्ट किया। एक मैं बात बोलना चाहूँगी, इन बच्चे को एक कंफ्यूजन थी, क्योंकि इन्हें फॉर्म के टाइम ये नहीं याद रहा था कि इन्होंने इंग्लिश में पेपर भरा है कि हिंदी में भरा है, बट ही वाज मोर नीन टू हिंदी, इनको हिंदी चाहिए थी। एक पोर्शन में शायद आपने इंग्लिश, वो हमने देखा था इनके फॉर्म में कि इंग्लिश भर दिया था, जी मैम जी। बट आपका पेपर किस तरह का आया? पेपर बहुत, देखो मैम पेपर का जो लेवल था वो तो मॉडरेट था, एंड मेरी प्रिपरेशन हिंदी में ज्यादा थी, तो फिर मैंने हिंदी चूज करा। इंग्लिश की बजाय आपका हिंदी में आया ना? हाँ, मुझे दोनों लैंग्वेज मिली, इंग्लिश में मिली और दोनों क्वेश्चन मिले मुझे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज मिल रही है। जी, बिल्कुल। इस तरह का नहीं है कि सिर्फ आपको इंग्लिश ही मिलेगी या फिर हिंदी ही मिलेगा, दोनों बायलिंगुअल में यहाँ पर पेपर आता है। जी, तो जैसा पेपर में जो मजा आया करने में, बहुत मॉडरेट लेवल था, और जो फैकल्टी हमारी जिन्होंने हमको पढ़ाया अड्डा 24/7 से, उनके साथ पढ़ने में बहुत मतलब बहुत मजा आया। मतलब ये था कि मतलब ये जो एग्जाम दिया मैंने ये तो अच्छा गया ही है, इसके अदर में कोई अगर अटेम्प्ट देता हूँ तो वो भी मेरा अच्छा ही जाएगा। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बढ़िया। तो ये अड्डा 24/7 के लिए बहुत बड़ी बात है कि बच्चों के तरह से इस तरह से हम कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक, सब कुछ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।